नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूँ उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारी बातचीत है रिलेशन विथ सोशल साइंसेस। किसका रिलेशन? आर्कियोलॉजी का। अभी तक हम लोग जो बातचीत कर रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा डिफिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजी, पुरातत्व को विभिन्न विद्वानों ने किस तरीके से परिभाषित किया है और पुरातत्व कार्य किस तरीके से करता है, इसके बारे में हमने अपने पिछले दो लेक्चर्स में बातचीत की थी। आज हम लोग बात करेंगे कि पुरातत्व का अन्य विषयों से क्या संबंध है, जिसमें कि पुरातत्व का सामाजिक विज्ञान अथवा मानविकी विज्ञान विषय जो वर्ग है उसके साथ क्या संबंध है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरातत्व वर्तमान में एक ऐसा विषय बनता जा रहा है जो कि बहुत सारे विषयों से मदद ले रहा है, ठीक है, एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के तौर पर ये एस्टैब्लिश हो रहा है और विभिन्न विषयों की जानकारी के साथ साथ ये सभी विषयों की मदद भी कर रहा है, ठीक है, सभी विषयों से मदद ले रहा है और सभी विषयों की मदद भी कर रहा है। सोशल साइंस के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको ये मदद कर रहा है, जैसे कि हम अभी आगे बातचीत करेंगे कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिससे कि ये मदद ले रहा है और जिनके साथ मदद कर रहा है और विभिन्न एक संबंध उनके साथ ये प्रकट करता है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से विषय हैं जिनके साथ इसके अभिन्न संबंध है। तो पुरातत्व के जो संबंध हैं वो सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों में हिस्ट्री, इतिहास, एंथ्रोपोलॉजी, मानवशास्त्र, सोशियोलॉजी और जियोग्राफी, ये चार मानविकी विषय वर्ग के जो विषय हैं उनके साथ पुरातत्व के बड़े ही घनिष्ठ संबंध हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हिस्ट्री के साथ इसके क्या संबंध है। तो अभी तक जो इतिहास को आप लोगों ने पढ़ा, इतिहास के बारे में जो जानकारी ली, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो कि साक्ष्यों के आधार पर चलता है। अगर साक्ष्य नहीं होंगे तो इतिहास नहीं होगा। बिना साक्ष्यों के आधार पर लिखी गई जो भी चीज़ें हैं वो या तो कहानी कहलाएंगी या तो साहित्य कहलाएंगी, इतिहास नहीं कहलाएंगी। और यही वजह है कि इतिहास के निर्माण के लिए हमें साक्ष्यों की आवश्यकता होती है और साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रों के विवरण के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य बड़े ही महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। अगर ये साक्ष्य ना हो तो इतिहास के एक बहुत बड़े भाग की जानकारी हमें नहीं हो पाएगी। जैसे कि इतिहास को साक्ष्यों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, प्राग इतिहास जिसको हम प्रीहिस्ट्री कहते हैं, आदि इतिहास जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, और हिस्टोरिकल पीरियड जहाँ पर हमें साहित्यिक साक्ष्य मिल जाते हैं। तो प्री हिस्ट्री, पूरा जो प्री हिस्ट्री है वो आपके पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। अगर ये पुरातत्व ना होता, पुरातत्व साक्ष्य ना होते, तो कभी भी उस मानव जीवन के संदर्भ में, मानव काल के संदर्भ में, मानव की संस्कृति के संदर्भ में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। वहीं प्रागितिहास, आदि इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करें प्रोटो हिस्ट्री के, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा काल है जहां पर हमें रिटेन एविडेंस तो मिल रहे हैं, जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारे पास रिटेन एविडेंसेस है, लेकिन उन रिटेन एविडेंसेस को अभी तक डिसिपर या अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी वजह से उस काल की भी जो संपूर्ण जानकारी है वो हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही मिलती, ठीक है। और रही बात ऐतिहासिक काल की, तो वहाँ पर हमें साहित्यिक साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन उस काल की भी जानकारी हमें बहुत सारी पुरातत्व के माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पुरातत्व एक ऐसा विषय है, यदि वो ना होता तो इतिहास के एक बहुत बड़े काल की जानकारी ना हो पाती। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिर्फ 0.1% इतिहास ही हमें लिखित साक्ष्यों के तौर पर मौजूद है, बाकी 99.9% इतिहास की जानकारी हमें पुरातत्व विषय के माध्यम से मिलती है। तो अगर पुरातत्व ना होता तो इतिहास के एक बहुत बड़े काल की जानकारी हमें प्राप्त ना हो पाती और मानव इतिहास को, मानव काल को, उस काल को हम लिख ना पाते, समझा ना पाते। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड थ्रू फैक्ट्स, इतिहास को फैक्ट्स के थ्रू देखा जा सकता है, तथ्यों के थ्रू। और आर्कियोलॉजी रिट्रीव दी फैक्ट्स, आर्कियोलॉजी क्या करती है, वो जो तथ्य हैं उनको खोजने का कार्य करती है। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि साहित्यिक साक्ष्य जरूरी हैं इतिहास के लिए, लेकिन अगर पुरातात्विक साक्ष्य नहीं होंगे तो मानव जीवन का एक बड़ा काल जो है हमें पता नहीं चलेगा। तो पुरातत्व क्या करता है, इतिहास में जो साक्ष्य प्रयुक्त होते हैं उनको खोजने का कार्य करता है। इसके अलावा बोथ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल स्टडी रिवील द पास्ट,
जो आर्कियोलॉजिकल स्टडी है और जो हिस्टोरिकल स्टडी है, दोनों जो है मानव अतीत को खोजने का कार्य कर रही होती है। इसके अलावा बोथ एग्जामिन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सोसाइटी, इतिहास और पुरातत्व दोनों का काम क्या है, दोनों का काम मानव जो समाज है और जो गतिविधियां हैं, ठीक है, मानव समाज और गतिविधियों को एग्जामिन परीक्षण करने का कार्य है, दोनों को परीक्षण करता है, इतिहास भी कर रहा है और पुरातत्व भी कर रहा है, मानव की गतिविधियों और समाज का परीक्षण। इसके अलावा आर्कियोलॉजी प्रोवाइड्स द फैक्ट्स व्हेन लिटरेरी सोर्सेज आर साइलेंट, आर्कियोलॉजी पुरातत्व मानव जीवन के उस काल की जानकारी हमें दे रहा है जहाँ पे साहित्य मौन है, साहित्यिक साक्ष्य जिस मानव काल की जानकारी हमें दे पाने में सक्षम नहीं है, उस काल की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, हमें पुरातत्व से प्राप्त हो रही है। जैसे कि उदाहरणों के माध्यम से हम लोगों ने समझा स्टोन एज के बारे में, स्टोन एज पाषाण काल मानव जीवन का एक ऐसा काल है जहाँ लेखन का कोई नॉलेज नहीं था, लेखन का कोई ज्ञान नहीं था, तो उस पूरे ज्ञान को हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं पुरातात्विक अवशेषों पे। तो अब वो पुरातात्विक अवशेष क्या है, वो पुरातात्विक अवशेष है मानव के बनाए गए पुरा उपकरण जिनको हम भौतिक अवशेषों के तौर पे देखते हैं, और वो सारे अवशेष जो कि मानव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं उनके माध्यम से हम मानव के इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सब निकल करके कहाँ से आ रहा है, ये पुरातत्व के माध्यम से आ रहा है। अगर पुरातत्व ना होता तो कभी भी मानव के उस काल की जानकारी हमें ना हो पाती, हमेशा हम उस भ्रामक जिंदगी में जीते रहते हैं जिसमें हम मानते थे कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो ईसा मसीह के जन्म के आसपास हुआ है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मध्यकाल के बाद, यूरोपीय मध्यकाल के बाद तर्क का दौर आया जहां विज्ञान जैसे विषयों की नींव डाली गई, सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाने लगी, उन्हीं प्रश्नों में से एक मानव की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ था, और वहीं से भूतत्व विज्ञान और पुरातत्व जैसे विषयों का जन्म हुआ, और इनके माध्यम से फिर मानव के अतीत को खोजने और खंगालने का दौर शुरू हुआ, और उसी दौरान इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक अवशेष शामिल किए जाने लगे, और फिर उसके माध्यम से इतिहास निकाले जाने लगा, और तब पता चला कि मानव का अतीत इतना पुराना है और मानव जो है विकास की विभिन्न चरणों से निकलते हुए आज वर्तमान के आधुनिक दौर तक पहुंचा है। तो इसके अलावा आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री बोथ वर्क अंडर अ सिमिलर फिलॉसफी दैट इज गैदरिंग एविडेंस एंड इंटरप्रिटेटिंग द एविडेंस टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। अगर इस वाक्य का मतलब हम समझें कि पुरातत्व और इतिहास दोनों क्या करते हैं, दोनों एक ही दर्शन से दार्शनिक हो रहे हैं, मतलब प्रेरित हो रहे हैं, और वो दर्शन है गैदर एविडेंस, जो साक्ष्य हैं उनको उनको कलेक्ट करना, उनकी गैदरिंग करना, उनको इकट्ठा करना और उनका विश्लेषण करना, इंटरप्रिटेशन मतलब विश्लेषण, मतलब उनको विश्लेषित करके उस एविडेंस का प्रयोग जो है मानव के जो अतीत है उसको निकालने में, मानव के अतीत को समझाने में, मानव के अतीत के निर्माण करने में करना, ये दोनों ही पुरातत्व और इतिहास दोनों ही विषयों का कार्य हमें दिखाई पड़ता है। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी के साथ अगर पुरातत्व का संबंध हम देखने चलें तो एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है, मानव शास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि वर्तमान दौर में पुरातत्व से बड़ी घनिष्ठता रखता है, और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में एंथ्रोपोलॉजी के साथ में आर्कियोलॉजी को पढ़ा जाता है, खासकर न्यू वर्ल्ड जो नया विश्व है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसा, वहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी के साथ में पुरातत्व को पढ़ा जाता है, लेकिन ओल्ड वर्ल्ड में इतिहास के साथ में पुरातत्व को पढ़ा जाता है। अब एंथ्रोपोलॉजी और पुरातत्व के बीच में घनिष्ठ संबंध इसलिए है क्योंकि दोनों मानव संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, पुरातत्व मृत मानव संस्कृतियों का अध्ययन करता है जबकि एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र जीवित और मृत दोनों प्रकार की मानव संस्कृतियों का अध्ययन कर रहा होता है, ठीक है। तो अब देखें कौन कौन से और घनिष्ठ संबंध इनके बीच में दिखाई पड़ता है। तो एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस कल्चर एंड सोसाइटी एंड द बायोलॉजिकल रिमेन्स। एंथ्रोपोलॉजी अर्थात मानव शास्त्र क्या है, अध्ययन है किसका, मानव ह्यूमन लैंग्वेजेस का, भाषाओं का, मानव की कल्चर का, संस्कृति का, तथा सभ्यता और जो है जो वनस्पति रिमेन्स हैं, बायोलॉजिकल जो रिमेन्स हैं, जीव विज्ञानी जो अवशेष है उनका अध्ययन करता है।
इसके बाद एथनो आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी पीपल्स टू डिटरमिन हाउ ह्यूमन बिहेवियर इज ट्रांसलेटेड इनटू द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स. अब एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी का एक बीच का स्ट्रीम है जिसको हम एथनो आर्कियोलॉजी के नाम से जानते हैं. एथनो आर्कियोलॉजी जिसको हम निजाती पुरातत्व कहते हैं. अब इस निजाती पुरातत्व के अंतर्गत हम करते क्या हैं, अब इसकी शुरुआत पे भी हम चर्चा कर लें. एथनो आर्कियोलॉजी की शुरुआत 1936 में थी की गई थी और स्पेंसर गिलिन नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक नेकेड नग्न जनजाति का अध्ययन किया था और उस जनजाति के आधार पर प्राचीन संस्कृति को एज्यूम करने की कोशिश की थी कि शायद कुछ ऐसा ही जीवन वो लोग भी जीते रहे होंगे. जैसे आज वर्तमान में बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो अभी भी अपनी उस आदिम व्यवस्था में जीवन जी रही हैं, जिनके अध्ययन के माध्यम से हम उन प्राचीन संस्कृतियों के बारे में एक परिकल्पना कर सकते हैं. जैसे उदाहरण के तौर पर अपने यहाँ अंडमान निकोबार में सेंटनर द्वीप में आप देखें बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ हैं जो अभी भी स्टोन टूल्स का निर्माण कर रही हैं, नग्न अवस्था में रह रही हैं और प्रतिबंधित है उन क्षेत्रों में जाना. इसके अलावा भारतीय भूभाग में भी बहुत सारे जगह पर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, इधर कर्नाटका में बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो उधर उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो अभी भी अपने आदिम संस्कृति को अपना करके रखी हुई हैं. तो उन जनजातियों के अध्ययन के माध्यम से हम प्राचीन संस्कृतियों को जो समझने का प्रयास करते हैं वो एथनो आर्कियोलॉजी कहलाता है, निजातीय पुरातत्व कहलाता है. जैसे वर्तमान में गोंड जनजाति बड़ी महत्वपूर्ण जनजाति है भारत की और वो इस बात को लेकर के लगातार क्लेम कर रही है कि वो सिंधु सभ्यता से संबंधित है और उन्होंने सिंधु अपनी गोंडवी लिपि के माध्यम से सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास भी किया. इसके अलावा थारू जनजाति जो कि नेपाल के और तराई क्षेत्रों की एक बड़ी महत्वपूर्ण जनजाति है, उत्तराखंड में, गोरखपुर में, इसके अलावा बिहार के कुछ इलाकों में वो जनजाति रह रही है और ये जनजाति भी लगातार इस बात को क्लेम कर रही है कि ये भी सिंधु से संबंधित लोग हैं और इनके अध्ययन से भी इस बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है. तो इन जनजातियों का अध्ययन कहीं ना कहीं हमें मदद करता है प्राचीन संस्कृति को समझने में. तो ऐसे विषय को हम इथनो आर्कियोलॉजी कहते हैं और ये कहीं एंथ्रोपोलॉजी से ही जुड़ा हुआ एक विषय है. इसके अलावा आर्कियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन कल्चर. आर्कियोलॉजी क्या है, प्राचीन मानव संस्कृतियों का अध्ययन करने वाला विषय है, ठीक है. और एंथ्रोपोलॉजी भी यही कर रहा है, दोनों यही काम कर रहे हैं. मैंने जैसे बताया कि दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि आर्कियोलॉजी जो है वो डेड कल्चर्स, जो कल्चर बीत चुके हैं, जो पहले पुराने कल्चर हैं, ठीक है, जो पास्ट कल्चर है ह्यूमन के, उनको अध्ययन कर रही है. जबकि एंथ्रोपोलॉजी जो पहले के कल्चर थे जो बीत चुके हैं, जो निर्जीव कल है और जो सजीव है, दोनों मानव संस्कृतियों का अध्ययन का कार्य कर रही है, ठीक है. और इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी एक और काम कर रही है, वो काम है एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, देयर डेवलपमेंट एंड देयर सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है. क्या कर रही है, मानव का अध्ययन कर रही है, उनके विकास का अध्ययन कर रही है और उनका जो सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक जो एक तरीके से इंटरेक्ट कर रही है, अंतर संबंध है, जो सोशल अपेरेंस है, उसकी जानकारी, उसकी चर्चा भी एंथ्रोपोलॉजी करती है. और कहीं ना कहीं ये सारी जानकारी हमें पुरातत्व के विषय के लिए भी बड़ी आवश्यक है और इसीलिए इन दोनों विषयों में बड़ा महत्वपूर्ण संबंध दिखाई पड़ता है. अब देखिए कुछ यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिखाई पड़ रही होंगी. ये बागोर का श्राइन है, ठीक है. बागोर एक जगह है, एक साइट है सोन वैली के अंतर्गत और यहाँ से हमें एक श्राइन मिला था और ये श्राइन जो है माना जाता है कि ये प्राचीन काल में उच्च पूर्व पाषाण काल के मानवों के द्वारा इनको पूजा जा रहा था. ये उनकी पूजा पद्धति का एक सिंबोलिज्म, एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर हमें प्राप्त हो रही है और ये भी जानकारी हमें एथनो आर्कियोलॉजिकल स्टडी के थ्रू प्राप्त होती है. इसके अलावा ये आप एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें सैंधवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है. जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि गोंड्स जो हैं, जो गोंड जनजाति के लोग हैं, वो इस बात को लगातार क्लेम कर रहे हैं कि वो लोग सैंधो लिपि से जुड़े हुए लोग हैं और उनकी लिपि और सैंधो लिपि में बड़ी समानता है. तो अपनी इस पुस्तक में उनकी जानकारी वो दे रहे हैं. अब यहाँ पर आप देखें कि कुछ आपको ये साइंस भी मिलेंगे, पेट्रोग्राफिक एविडेंसेस हैं जिनको गोंडी लिपि में भी प्राप्त हो रहे हैं और इनको मैच किया गया है.
इसके अलावा ये एक थारू ग्राम की फ़ोटोज़ है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए कि हड़प्पा की नगर नियोजन की एक फ़ोटो दिखाई पड़ रही है और ये थारू गांव की फ़ोटो दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं इनमें भी बड़ी समानताएं दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि हड़प्पा के नगरों के संदर्भ में कहा जाता था कि जो हड़प्पा के नगर हैं वो बेसिकली एक सीधी रेखा में बने हुए दिखाई पड़ते हैं, रोडें एक दूसरे को समकोण के पर काटते हुए दिखाई पड़ते हैं, मकान के खिड़की और दरवाजे मुख्य द्वार पे ना खुल करके गली की तरफ खुलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वैसा ही कुछ थारू गांवों का सन्निवेश भी दिखाई पड़ता है। थारू गांव में भी मकान एक सीधी रेखा में बने हुए हैं, सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, चौराहे बना रही होती हैं, खिड़की और दरवाजे मुख्य द्वार पे ना खुल करके गलियों की तरफ खुल रहे होते हैं। तो ऐसा एक सन्निवेश आज वर्तमान में थारू ग्रामों में भी हमें दिखाई पड़ता है। और एक और बात है, 2014 के आसपास हम लोगों ने थारू ग्राम का सर्वे भी किया था, वहाँ से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई कि अभी भी जो थारू लोग हैं वो बिना अपने मुखिया से पूछे अपने घर को कहीं पर भी नहीं बना सकते। उनको अभी भी ग्राम समाज का जो समुदाय है उनका, उनकी स्वेच्छा लेनी, मतलब उनकी आदेश लेना पड़ता है, उनकी बिना उनकी इच्छा के वो कहीं पर भी अपने मकान को नहीं बना सकते। तो अभी भी वो कल्चर उनमें चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी वर्तमान में रह रही जनजातियों में हमें दिखाई पड़ती है, जो कि आदिम संस्कृति की झलक हमें दिखाते हैं, ठीक है, जिसके आधार पर हम एक एज्यूमनेशन, एक परिकल्पना कर पाते हैं कि प्राचीन काल में मानव संस्कृति किस तरीके की रही होगी। और इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध हमें दिखाई पड़ता है। इसके बाद सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मानव जो सामाजिक संरचना है उसका अध्ययन करता है कि कैसे सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, सोसाइटी कैसे बिल्डअप हो रही है, उसकी संरचना क्या है, उसका सत्ता क्या है, कौन उस पर काबिज है, जैसे कि मातृसत्तात्मक समाज है कि पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है। अब ये देने वाला, ये जो नॉलेज देने वाला विषय है ये है सोशियोलॉजी। और जब हम पुरातत्व में कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमें यही सामाजिक जो संरचना है उसको समझने की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम अपने उस सोशियोलॉजी जो सामाजिक ज्ञान है उसका प्रयोग करते हैं और इस तरीके के पुरातात्विक कार्यों में मदद लेते हैं सोशियोलॉजी की। और सोशियोलॉजी क्या कर रहा है? मानवीय समाज का अध्ययन कर रहा है, ह्यूमन सोसाइटीज़ का, ठीक है, उसके डेवलपमेंट का अध्ययन कर रहा है कि कैसे विकास हुआ, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी संरचना का अध्ययन कर रहा है और उसकी फंक्शनिंग का अध्ययन कर रहा है कि कैसे फंक्शनिंग हो, सभी एस्पेक्ट्स पे जो है सोशियोलॉजी काम कर रहा है। और पुरातत्व में भी हम जब कोई वस्तु मिलती है, अवशेष मिलते हैं, तो उसके आधार पर मानवीय समाज को समझाने का कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि एक श्राइन हमें मिला, उस श्राइन के आधार पर हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका भौतिक पक्ष, मतलब उनका आध्यात्मिक पक्ष क्या रहा होगा उस काल के लोगों का। तो इसी तरीके से मिलने वाले भौतिक अवशेषों के आधार पर हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी की फंक्शनिंग क्या है, समाज किस तरीके से कार्य कर रहा था। तो जैसा कि हमने बताया कि मातृसत्तात्मक समाज था कि पितृसत्तात्मक, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर सिंधु सभ्यता के संदर्भ में हम ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। और ऐसी बात हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पुरातत्व में बहुत सारे ऐसे टेराकोटास फिगरेंस, फीमेल फिगरेंस प्राप्त होते हैं टेराकोटास के, जो इस बात को प्रमाणित करने का कार्य करते हैं कि महिलाओं को सिंधु सभ्यता में कुछ विशेष स्थान प्राप्त था, जिसके आधार पर हम ये एजुमिनेशन करते हैं कि समाज जो है वो मातृसत्तात्मक रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पक्ष की समाज की कैसे संरचना हुई, ये सारी जानकारी हमें सोशियोलॉजी के थ्रू मिलती है। और इसीलिए सोशियोलॉजी और आर्कियोलॉजी का बड़ा क्लोज रिलेशन हमें दिखाई पड़ता है। इसके बाद आए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी और पुरातत्व का बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि मानव जो है वो कहाँ रह रहा है? वो रह रहा है प्रकृति में, ठीक है, मानव प्रकृति के घटकों के तौर पर मौजूद है, ठीक है, प्रकृति में रह रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहा है। और जब नेचुरल एनवायरनमेंट पर रह रहा है तो उसका जो फर्स्ट इंटरेक्शन है वो किसके साथ है? नेचर के साथ है, प्रकृति के साथ है। उसका जो पहला साक्षात्कार है वो प्रकृति के साथ है। और जब उसका इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन के साथ साथ बहुत सारे क्रियाकलाप भी होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, और वो एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं कुछ नेचर के फेवर में होंगी, कुछ नेचर के विरुद्ध होंगी। जैसे कि अगर हम कुछ बना रहे हैं, कोई भी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, कृत्रिम वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? नेचर के अगेंस्ट जाके कर रहे हैं।
कृत्रिम शब्द का अर्थ ही नेचर के अगेंस्ट जाना है, प्रकृति के विरुद्ध जाना है। तो जब भी हम कुछ बना रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, नेचर के विरुद्ध जा रहे होते हैं, ठीक है, कृत्रिमता का वो कर रहे हैं। तो ये जो भी इंटरेक्शन या जो भी गतिविधियां हैं वो जो है प्रकृति के विरुद्ध हो रही हैं या प्रकृति के सापेक्ष हो रही हैं। और प्रकृति क्या है, प्रकृति का अध्ययन करने वाला विषय भूगोल है। और इसीलिए जब हम मानव संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि मानव संस्कृतियों का तात्पर्य एक भूगोलिक परिवेश में रहने वाले एक मानव समूह के व्यवहार का समूहन है। अर्थात एक भूगोलिक परिवेश में रहने वाला जो मानव समूह है उस समूह के जो लोग जिस तरीके का व्यवहार करते हैं उस व्यवहार का समूहन मतलब एक कलेक्टिव फॉर्म जो है वो कल्चर के तौर पर रिफ्लेक्ट करता है। अब ज्योग्राफी इसलिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है आर्कियोलॉजी के साथ, उसका बड़ा क्लोज रिलेशन है, वो इसलिए क्योंकि मानव बिना प्रकृति के नहीं रह सकता। और जब प्रकृति के साथ रहेगा तो नेचर जो प्रकृति है जो पर्यावरण है वो मानव को प्रभावित करेगा उनके कार्यों के लिए, ठीक है, और उसी कार्यों से धीरे धीरे संस्कृति का निर्माण होगा। जैसा कि मैंने बताया कि मानव व्यवहार का समूहन संस्कृति है, तो जो मानव व्यवहार जो मानव समूह है जिस तरीके का व्यवहार करता है उस व्यवहार में प्रकृति या पर्यावरण का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, तो ठंडे प्रदेश में रहने की वजह से उनके खान पान रहन सहन पहनावे में उस ठंडे प्रदेश का लक्षण गुण हमें दिखाई पड़ता है, वो फोर्स करता है नेचर की वो उस तरीके का जीवन जिए। वहीं अगर आप दक्षिण भारत की बात कर ले तो वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर गर्म मौसम रहता है, तो गर्म मौसम रहने की वजह से वहाँ के लोगों का खान पान रहन सहन और पहनावा वो अलग तरीके का हमें दिखाई पड़ता है। तो ये जो पर्यावरण है वो मानव को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है, और इन्हीं पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन हम पुरातत्व में भी करते चले आते हैं। ये हमें अवशेष के तौर पर प्राप्त होते हैं जब हम मानव संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो उस परिक्षेत्र में प्राप्त जो भी भौतिक अवशेष हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, और उनके अध्ययन के आधार पर हम उस पर्यावरण को पैलियो एनवायरनमेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जलवायु किस तरीके की है, ठीक है, कौन कौन से पौधे यूज़ कर रहे थे, कौन कौन से जानवर जो इनके साथ थे जिनके साथ इनका इंटरेक्शन था। तो ये सारी जो जानकारी है ये हमें ज्योग्राफी के माध्यम से मिलती है, और पुरातत्व में जो अध्ययन हम करते हैं उसमें ज्योग्राफी का ये एक बड़ा ही रोल इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर है, जैसे कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पैलियो एनवायरनमेंट का रिक्रिएशन कर रहे हैं। पैलियो एनवायरनमेंट का मतलब है पूरा जो पर्यावरण है उसको हम चुन रहे हैं, और पूरा पर्यावरण को हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, जब हम पूरा पर्यावरण के विभिन्न घटकों की जानकारी दे पाएंगे, जैसे कि फ्लोरास क्या थे, ठीक है, फाउनास क्या थे अर्थात वनस्पतियाँ क्या थी, पक्षी क्या थे, पशु क्या क्या थे मानव के साथ में कौन कौन से थे, क्लाइमेट जैसे ही हम बताएंगे कि पौधे कौन से थे वनस्पति कौन से थे तो हम ये भी बता पाएंगे कि क्लाइमेट कौन सा था, क्योंकि आपको पता है कि किस क्लाइमेट में कौन से पौधे होते हैं, ठीक है, तो क्लाइमेट की जानकारी भी हमसे हमको हो जाएगी, और किस क्लाइमेट में कौन से जानवर रहते हैं ये भी हमें नॉलेज है, क्योंकि आज वर्तमान में हमें पता है, हमारे पास नोन नॉलेज है कि कौन कौन से क्लाइमेट में कौन कौन से पौधे और जानवर रह सकते हैं, तो उसकी जानकारी भी हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो एक तरीके से हम क्या करेंगे, जब ये अध्ययन करेंगे पुरातत्व में, क्योंकि पुरातत्व में हमें पॉलेंस भी मिल रहे हैं, हमें फाइटोलिथ मिल रहे हैं, हमें बोन्स मिल रही हैं एनिमल के जिनको एक्सट्रैक्ट करके हम ये बता पाते हैं कि किस तरीके का क्लाइमेट या इन्वायरमेंट था, तो हम क्या कर रहे हैं, पहलू इन्वायरमेंट का रिक्रिएशन कर रहे हैं। इसके बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी को देख रहे हैं, अर्थात भौतिक जो पर्यावरण था उसकी जानकारी भी इसके थ्रू हमें मिल रही है। पहले एनवायरनमेंट के रिक्रिएशन में जियोलॉजिकल और बॉटनिकल एविडेंसेस हमारी मदद कर रहे हैं, अर्थात जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान हमारी मदद कर रही है। और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बायो ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और पेडोलॉजी, अर्थात जो ज्योग्राफी है खासकर बायो से जुड़ी हुई, क्लाइमेटोलॉजी जो पर्यावरण है, इसके अलावा पेडोलॉजी अर्थात जो भूमि विज्ञान है, जो भूमि की संरचना है, जो मृदा का विश्लेषण करके की जाती है, उसकी जानकारी हमें इसके थ्रू होती है, और हम क्या करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का निर्माण कर रहे होते हैं। और ये सारी गतिविधियाँ जो हो रही होती हैं वो कहीं ना कहीं किस लिए हो रही होती हैं, ह्यूमन और नेचर के रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए।
मानव और प्रकृति का क्या संबंध रहा है, इस संबंध की जानकारी हमें ज्योग्राफी के माध्यम से प्राप्त होती है। और जब हम आर्कियोलॉजी में कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो इसी जानकारी को एकत्रित करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे होते हैं, और ये करके हम क्या करते हैं, पैलियो एनवायरनमेंट का रिक्रिएशन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये रहा सोशल साइंस के साथ आर्कियोलॉजी के संबंध, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की इतिहास का पुरातत्व के साथ क्या संबंध है, मानव शास्त्र का पुरातत्व के साथ क्या संबंध है, समाज शास्त्र का पुरातत्व के साथ क्या संबंध है, और भूगोल का पुरातत्व के साथ में क्या संबंध है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि पुरातत्व का प्राकृतिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर से मैं ये बात दोहराना चाहूँगा कि उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल को आप लगातार देखते रहिए, और ऐसे बहुत सारे जानकारी वाले वीडियो हम लोग लेकर के आते रहेंगे, जिससे कि आपकी जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हो, और आपके जो कमेंट्स हैं वो हम देख रहे हैं, और बिल्कुल आपके जो भी सुझाव हैं उनको हम पूरी तरीके से अपनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और आपके जो वीडियो को देखना और जो आपके लाइक हैं वो हमें प्रोत्साहन देंगे, इसीलिए आप वीडियो को देखें, लाइक करें, ताकि हम और बेहतर जानकारी आपको दे पाएँ और एक बेहतर संवाद की स्थिति बना पाएँ। तो आज के लिए धन्यवाद, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद।